नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Mi 11 Ultra वर्सेस Samsung Galaxy S21 FE 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Mi 11 Ultra में 6.47 इंच जबकि S21 FE 5G में 6.13 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Mi 11 Ultra से कम है। विड्थ की बात करें तो Mi 11 Ultra में 2.94 इंच जबकि S21 FE 5G में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Mi 11 Ultra में 0.33 इंच जबकि S21 FE 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Mi 11 Ultra में 234 ग्राम्स जबकि S21 FE 5G में 177 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Mi 11 Ultra में AMOLED जबकि S21 FE 5G में डायनामिक AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Mi 11 Ultra में 20:9 जबकि S21 FE 5G में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Mi 11 Ultra में 6.81 इंचेस जबकि S21 FE 5G में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Mi 11 Ultra में 1440x3200 और S21 FE 5G में 1080x2340 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Mi 11 Ultra में 91.35% जबकि S21 FE 5G में 86.49% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Mi 11 Ultra में 515 पिक्सेल प्रति इंच जबकि S21 FE 5G में 403 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Mi 11 Ultra में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो देखने को मिलता है। और S21 FE 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Mi 11 Ultra में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और S21 FE 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Mi 11 Ultra में Adreno 660 जबकि S21 FE 5G में Mali G78MP 14 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Mi 11 Ultra में Qualcomm Snapdragon 888 और S21 FE 5G में Samsung Exynos 2100 मिलता है। बात करें RAM की तो Mi 11 Ultra में 12GB की RAM मिलती है, जबकि S21 FE 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Mi 11 Ultra में 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि S21 FE 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Mi 11 Ultra में Android V11 जबकि S21 FE 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Mi 11 Ultra में 5000 mAh जबकि S21 FE 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Mi 11 Ultra में 2 कलर्स जबकि S21 FE 5G में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की, तो MI 11 Ultra में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 69,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें S21 FE 5G की, तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 54,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 58,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Xiaomi MI 11 Ultra में 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Samsung Galaxy S21 FE 5G की, तो उसमें 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में MI 11 Ultra आगे है, मेन कैमरा में MI 11 Ultra आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में S21 FE 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है, दूसरा वीवो X60 Pro है, तीसरा वीवो X60 Pro Plus है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9R है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।